नमस्कार जी मैडम। जी बोलिए। जी मैडम बताइए, कॉइन्स वगैरह खरीदते हो? जी खरीदते हैं, तो 55 लाख रुपए मिलेगा सर। अच्छा 55 लाख। जी तो मैडम कौन सी कंपनी से हो? सर हम RST ओल्ड कॉइन कंपनी से। अच्छा मैडम, क्या है मेरे साथ काफी बार फ्रॉड हो चुका है, तो वैसा तो कुछ होगा नहीं ना? नहीं सर, इधर कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं सर, ठीक है। अच्छा मैडम, आप मतलब कॉइन्स हमें वहाँ पे लेके आना पड़ेगा क्या? आप कहाँ तक की बताए कंपनी? नहीं नहीं नहीं, हमारा टीम आपके घर पे आएगा सर। ठीक है, आपकी टीम हमारे घर पे आएगी। हाँ, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ से हो? जी मैं राजस्थान से, जयपुर से हूँ। जयपुर से हो तो मैडम क्या मतलब आपकी टीम आएगी हमारे घर पे आ जाएगी ना? जी बिल्कुल 100% आ जाएगी, कल की डेट में आ जाएगी। जैसे आप अभी 820 रुपए जमा करते हो ना मैडम, वो पेमेंट जो 55 लाख कैसे मिलेगा मुझे? वो आपको कैश पेमेंट मिलेगा सर। ये पूरे जो मैंने नोट वगैरह, ट्रैक्टर वाले नोट और फोटो भेजा, ये सब लेके जाओगे? ये सब लेके जाएंगे सर। ठीक है। अच्छा तो मैडम मतलब ये तो नहीं होगा ना, मेरे को एक ये बताइए, फ्रॉड तो नहीं होगा ना मैडम? क्या है, मैं काफी बार ठगा चुका हूँ। कितना पैसा ठगा दे सर आपने? मैडम मैंने ठगा दिया कम से कम 1 लाख के समथिंग ऊपर ऊपर ही। अरे सर वही तो मैडम, मेरे आपको देख सर, मेरी बात सुन, इधर मैं भगवान कसम कर रही हूँ आप सर, फ्रॉड तो नहीं होगा सर। मैडम पक्का भगवान कसम, मतलब मैं 820 रुपए कर दूँ तो पक्का हो जाएगा ना? 100% सर। आपका नाम मैडम? जी आपका नाम? मेरा नाम चिमता। क्या नाम बताया? चिमता। चिमता जी, चिमता। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो? हम मुंबई से। अच्छा मुंबई, कंपनी भी मुंबई की है? कंपनी मुंबई की है। अच्छा अच्छा, तो मैडम आप मेरे पास और भी काफी कलेक्शन है, तो वो किस प्रकार खरीदोगे मतलब यहाँ? वो भी मेरी बात सुनो, जो भी बाकी का आपके पास बच रहा है ना, जैसे आपके घर पे टीम आता है ना, जी जी, उनको दिखा देना वो कलेक्शन, उधर ही आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। ठीक है, मशीन आपके साथ लाएंगे और मशीन में चेक करके आपको इतना रेट बता देंगे। ओके मैडम, एक ये भी बात थी कि मेरे पास जो लोग हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी उनके पास में भी है, तो उनका भी मैं मतलब कैसे करवा दूं, अभी भिजवा दूं क्या फोटो वगैरह? नहीं अभी नहीं, जैसे आपके घर पे कल टीम आता है तो ऐसे भिजवा देना, उनको दिखा देना। ठीक है। अच्छा मतलब टीम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेगी ना? डायरेक्ट आपके घर पे टीम आएगा। ठीक है, आप मेरे लिए ये बता दो, ये फीस कब तक जमा करोगे? मैं तो अभी कर दूंगा, तो अभी करने के बाद कब तक आएगी टीम? वो कल जैसे 10 बजे बैंक खुलता है तो 11 बजे तक आपके घर पे टीम आ जाएगा सर। अच्छा मतलब जी सुबह 11 बजे तक? सुबह 11 बजे तक आएगा। 29 तारीख हो गई, 30 हो गई, 29 31 हो गई आज। तो कल 1 तारीख को आ जाएगी? जी कल 1 तारीख को आ जाएगी। तो मैडम मतलब एक बार मैं क्या डरा हुआ हूँ तो मेरे को ये बता दीजिए। नहीं इधर कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं सर, मैंने आपको बार कोड भेज रखा है। ठीक है, उसमें आप जमा करके मेरे लिए स्क्रीनशॉट भेज दो। के सच्ची मैडम भगवान कसम, आप फ्रॉड तो? अरे भगवान की कसम फ्रॉड नहीं है सर। ठीक है, बार कोड भेज दिया मैडम आपने? मैंने भेज रखा है, व्हाट्सएप चेक करो, उसमें मेरे लिए जमा करके स्क्रीनशॉट भेज दो 820 रुपए। ओके, क्या नाम से आएगा? जी वो आएगा नरेश कुमार। नरेश कुमार, तो मेरा मतलब ये जो कंपनी है मतलब आप इसके बाद कोई चार्ज तो नहीं है ना? इसके बाद में सर कोई चार्ज नहीं, ओनली बैंक चार्ज 820 रुपए का लगता है, इसके बाद में आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। ठीक है। अच्छा बैंक चार्ज किस बैंक चार्ज? RBI लेटर का? नहीं कोई RBI लेटर नहीं, कोई GST नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। ठीक है, ओनली बैंक चार्ज क्लियर कराना, तो बैंक से हमारा टीम आपके घर पे आएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर? अच्छा बैंक से आएगा मैडम, कौन से बैंक से? ओ, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर? मेरा तो जयपुर है। जयपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है? हाँ हाँ, तो उधर से ही HDFC से भी आ सकता है, HDFC से भी आ सकता है, एकोटास से भी आ सकता है, और SBI से भी आ सकता है, केनरा से भी, कोई सी बैंक से आपके घर पे टीम आ सकता है। ठीक है। मैडम बैंक वाले खरीद रहे हैं क्या? नहीं बैंक वाले नहीं कर, हम खरीद रहे हैं। ठीक है, वो तो आपके पास आएंगे। अच्छा। और आपको हमारा बैंक से कॉन्टर रहता है, ये अदर कंट्री का पेमेंट है ना। अच्छा। ये हमारी पहले हमारा कंपनी बताए, फिर हम आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करते हैं, उधर से बैंक हम मैनेजर अच्छा। को आपके घर पे भेजेंगे। अच्छा, मतलब आपको अदर कंट्री से आता है और बैंक वाले हमें देके जाते हैं, आप बैंक को? जी हमारा कॉन्टर बैंक से रहता है, बैंक से पेमेंट दिलाते कस्टमर को, नहीं कोई अकाउंट में देना है, कोई किसी को नहीं देता है। ठीक है, हमारा ओनली कैश पेमेंट होता है, कैश लेना लेना देना हो जाएगा मैडम पूरा। जी मैडम कैश हैंड दोगे? जी पूरा कैश हैंड देंगे आपको। इसमें कोई बैंक का वो टैक्स वाला वो लपड़ा तो नहीं ना? कोई जी कोई कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई कंपनी का हमें कुछ मिलेगा मैडम? जी कंपनी से कुछ ऐसा मिलेगा क्या जिसमें ये बता सकते हैं कि ये पैसे कंपनी ने हमें दिए हैं? वो प्रूफ आपको वो मैनेजर देके जाएगा। अच्छा जो बैंक वाला मैनेजर आएगा वो? अगर कोई आपसे कोई इनकम टैक्स वाले आए तो उनसे बोलना ये मेरे आपको पूरी फाइल देके जाएंगे, कुल मिलाकर आपको कोई लफड़ा तो नहीं होगा उसमें। ठीक है।
अच्छा कंफर्म हाँ। मैडम फिर से मैं एक बार क्या डरा हुआ तो मेरे लाख रुपए नहीं सर मेरी बात सुनिए, डरने का नहीं ठीक है जी। आपने फ्रॉड में दे दे वो तो आपको नूर ये लगा लो गया हुए तो इधर आपका फ्रॉड में कोई सिस्टम नहीं होगा ओके। अच्छा मतलब ये कंफर्म हाँ। है कि आप ले तो जाओगे हमारे नोट थोड़े 100% लेके जाएंगे और आपको 55 लाख रुपए दे के जाएंगे मैडम जी। आप कम दे देना मेरे को, चाहे लेके तो कंफर्म जाओगे ना 25 ही दे देंगे। अरे लेके जाएंगे आपको पूरा 55 लाख रुपए दे के देंगे, 25 नहीं दे के जाएंगे, पूरा 55 लाख रुपए दे के जाएंगे आपको। अच्छा मतलब कंफर्म तो हो गया कि आप कंफर्म तो पक्का गोल्ड प्रॉमिस। अच्छा गोल्ड प्रॉमिस हाँ जी जी। तो मतलब मैं अभी इस नंबर पे पेमेंट कितना करना है? नहीं मैंने बार कोड भेजा उस पर आप 820 रुपए जमा करके मेरे लिए स्क्रीनशॉट भेज दो ठीक है। अच्छा बार कोड पे भेजना है? हाँ बार कोड भेज रखा है। तो वो फोन पे से हो जाएगा मैडम? वो फोन पे गूगल पे पेटीएम तो सबसे हो जाएगा ठीक है। अच्छा सबसे हो जाएगा मैडम। हाँ मेरे लिए स्क्रीनशॉट भेज दो। बोलो कब तक जमा करोगे सर? मैडम अभी कर दूँ तो या फिर मॉर्निंग में करूँ? मॉर्निंग में करोगे तो सर आपको परसों पेमेंट मिलेगा, अगर आप अभी करते तो और बेहतर रहेगा, कल पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा मैडम मतलब अभी पेमेंट करते ही मेरे को कुछ मिलेगा क्या वहाँ से स्लिप वगैरह कुछ? जी कुछ कंपनी का स्लिप वगैरह मिलेगा क्या अभी पेमेंट करते? 100% मिलेगा। अच्छा कंपनी से मुझे मिल जाएगा कि आपका 820 रुपए जमा हो गया है? जी बिल्कुल 100%। अच्छा फिर वो नोट नोट आप लेके जाओगे कल? हमारा टीम आएगा वो आपसे लेके जाएगा ठीक है। अच्छा 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 मतलब इन बैंक मैनेजर वो आएंगे? हाँ वो आपके घर पे आएंगे। अच्छा अच्छा तो मैडम कन्फर्म फाइनली आप खरीद ही लोगे? पक्का गोल्ड प्रॉमिस सर। अच्छा भगवान कसम से? भगवान की कसम 100%। अच्छा तो पक्का है ना मैडम? अरे गोल्ड प्रॉमिस है पक्का 100% होगा ठीक है। अच्छा, पूरा 55 लाख रुपए मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा मैडम हाँ, इधर ऐसा कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं, नो टेंशन होगा, अपना काम करा ओके। ये मैडम काफी लोग फ्रॉड क्यों करते हैं तो फिर मतलब कॉइंस ये पता नहीं गरीबों का पैसा खा लेते हैं। अच्छा, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं गरीब लोगों की। अच्छा अच्छा मैडम हाँ, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती मैडम? कोई कंपनी आपकी इनको कहाँ तक पकड़े बोल, क्या कर सकते हैं इनके? तो कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना मैडम? ये सिम ही इसकी दूरी के रखते हैं, कोई पता नहीं चलता कहाँ का सिम है कहाँ का फोन है। अच्छा, कोई नहीं पता चलता इनका। हाँ, वो तो है मैडम। हाँ, ये पुलिस भी ध्यान नहीं देती इन पे। हाँ मैडम वो तो क्या फ्रॉड ज्यादा हो रहा है तो क्या जी वही बात है ना। हाँ, वो फ्रॉड आजकल ज्यादा हो रहा है तो ये सरकार ध्यान नहीं देती ना। कॉइंस एग्जीबिशन में भी तो बिकते हैं ना? अभी एक सूरत के अंदर मैंने सुना है कि वहाँ पे है। नहीं फिलहाल टाइम तो सर हमारे कंपनी का बंद है, वो तो कंपनी हमारे चालू है। अच्छा 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 हाँ ठीक है, आप नोट टेंशन लोग अपना काम कराओ। अच्छा, मैंने बार कोड भेजा है आपको। अच्छा, ओके। अच्छा मैडम मैं रोहित बात कर रहा हूँ ट्री इवेंट से। जी 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 ठीक है ना जी मैडम। ओके ओके, कब तक जमा करोगे बोलो? तो ये फीस प्रॉमिस क्यों कर रहे हो मैडम? भगवान की कसम क्यों खाते हो आप? कंपनी होती नहीं इंडिया के अंदर? नहीं क्यों नहीं है मैडम? मैं लिख के दावा करता हूँ कि कंपनी नहीं होती, मैं ही कॉइंस बायर हूँ एक। नहीं नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं सर, रियल में कॉइंस बायर हूँ और काफी जगह से कॉइंस वगैरह खरीदे हमने। जी जी तो कंपनी नहीं होती मैडम? नहीं कोई क्यों कंपनी नहीं सर, आप मुंबई बांद्रा में आई उधर कंपनी है क्यों नहीं है? मैडम मुंबई भी आया हूँ, सब जगह में आके गया हूँ लेकिन कोई कॉइंस कंपनी नहीं होती। नहीं नहीं कंपनी तो है सर, ऐसा तो कोई बात नहीं है। नहीं मैडम मैं मुझे पता ना, मैं कॉइंस बायर ही बात कर रहा हूँ, आपके नंबर मिले थे तो मैंने सोचा चलो पूछते हैं किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है इस समय। नहीं नहीं इधर कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं सर। अब मैडम ये भगवान कसम नहीं खाना चाहिए आपको, कुछ भी करो चाहे फ्रॉड करो चाहे कुछ भी करो सर, इधर कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं। अगर आपको ट्रस्ट है तो सर आप कराओ, वरना कोई दिक्कत नहीं ठीक है। मैं तो बस राय ले रहा था आपकी। ओके सर ओके, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा भगवान कसम, भगवान को क्या चीज मान रखा इन फ्रॉडिये लोगों ने, कितने गिर चुके हैं, किस प्रकार से लोगों के पैसे घुमाने का काम करते हैं। बताते हैं वो फ्रॉडिये लोग गरीबों के पैसे लूटने का काम करते हैं और ये मैडम खुद एक फ्रॉड है, ये बिल्कुल एक खुद फ्रॉड है और खुद बताती है कि मैं खुद कॉइंस खरीदती हूँ। भगवान कसम खा रखी है, भगवान की कसम इसने खा ली, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो उसको ये पता नहीं कि रोहित भाई से बात कर रही हूँ या किससे कर रही हूँ। वो तो बताती है 820 जमा कीजिए, आपकी जल्द से कंपनी आएगी, SBI वाले आएंगे, HDFC वाले आएंगे, यानी बैंक वाले आएंगे। तो क्या सच है क्या झूठ है वो तो आपको मैं बार बार वीडियो में बताता ही हूँ और आज आपने इस मैडम के बारे में भी देख लिया दोस्तों कि वास्तव में कैसे ये खरीदते हैं, क्या बताते हैं। मतलब इतने गिर चुके अपने माँ बाप बच्चों की और कम भगवान की कसम खा लेते हैं।
तो दोस्तों इन लोगों से बच के रहना, ऐसे कसम वाले काफी मिलते हैं और कसम खा के आपका पैसा लूटने का काम करते हैं, पैसा खाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किस प्रकार से ये लोग हकीकत में ऐसे पैसे खाने की बातें करते हैं। दोस्तों अगर आपकी डिमांड होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, कमेंट्स में पिन कर दूंगा। अगर आपको नंबर नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्रॉड है तो नंबर का क्या करोगे, तो आप चाहोगे तो नंबर दूंगा, बात कर लेना दोस्तों। साथ ही दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, राम राम दोस्तों।